नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रायते को मैं मूली से बना रही हूँ, रेडिश रायता। इसके लिए मैंने 1 कप दही लेकर के उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। मूली ले ली है, 1/2 कप करीब मूली है, किसी हुई ग्रेट करी हुई। मूली को अच्छी तरह से धोकर छिलका हटाकर और उसे ग्रेट करके लिया है। 1/4 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट करके लिया है। 1 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, हरा धनिया है, साथ ही काली मिर्ची पाउडर है 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काला नमक है और नमक है सादा नमक स्वाद के अनुसार। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूली का रायता बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें फेंटे हुए दही को डाल दिया है। दही हमें ताज़ा लेना है, खट्टा होगा तो रायते का स्वाद ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और सादा नमक। मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक को डाल देती हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं ग्रेट की हुई मूली डाल देती हूँ इसमें। सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। रायता बनकर के तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मूली के रायते को मैंने सर्व कर लिया है और कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। यह बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रायता बनकर के तैयार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।